हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज़ किचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे जलेबी। जलेबी बनाने के लिए हमें उसकी चाशनी को तैयार करना होगा। चाशनी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर एक पतीला लिया है। पतीले के अंदर हम करीबन 2 गिलास जितना पानी डालेंगे। एक कप जितना हम शुगर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून जितना इलायची पाउडर डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून जितना फूड कलर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहो तो फूड कलर की जगह केसर का भी यूज़ कर सकते हो। गैस की आंच को हमें फुल रखना है। जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम जलेबी का बैटर तैयार करते हैं। जलेबी का बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर हम 250 ml जितना मैदा डालेंगे। अब हम इसके अंदर 1/4 चम्मच जितना इनो डालेंगे और इनो और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए हम यहाँ पे पानी डालेंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, हमें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि हमारा बैटर है जो बहुत ही ज़्यादा पतला ना हो जाए। हमें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हमें सारे मैदे की गुठलियाँ जो भी होती है उसे ख़त्म करेंगे। हमें हमारे बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, हमें इसको मीडियम बैटर बनाना है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर मिक्स का उपयोग कर सकते हो। इससे हमारी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छी तरह से हमारा बैटर बन जाएगा। हमें इसे बार बार ऐसे हिलाते ही रहना है ताकि हमारे बैटर के अंदर सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए और बहुत ही अच्छा स्मूथ बैटर बन जाएगा। हमें इसे ऐसे हिलाते ही रहना है। हमने इसके अंदर इनो को डाला था, हमें उसे भी ख़त्म ही करना है ताकि हमारी जलेबी एकदम क्रिस्पी बने। और हमारा बैटर आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी तरह से बनने आया है। आप देख रहे हो बैटर हमारा बहुत ही अच्छी तरह से बन चुका है। अब हम जलेबी बनाएंगे। जलेबी बनाने के लिए चाशनी हमारी बन चुकी है, उसे हमने ठंडा करने के लिए रखा है। अब हम जलेबी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन के अंदर हमने घी को डाला है। घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। गैस की आंच को हमें धीमा ही रखना है। अब हम एक एक करके जलेबी को बनाएंगे। हमें गैस की आंच को फास्ट नहीं रखना है, हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही इसे बनाना है ताकि हमारी जलेबी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से क्रिस्पी बने। हमें इसे बार बार पलटना होगा ताकि हमारी जलेबी जले नहीं। हमारी जलेबी बहुत ही अच्छी तरह से बनने आई है। अब हम जलेबी को निकाल लेंगे। आप देख सकते हो जलेबी हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हमारी जलेबी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। अब हम उसको चाशनी के अंदर डुबो देंगे और 2 या 3 मिनट के अंदर हम उसे निकाल लेंगे तो हमारी जलेबी के अंदर बहुत ही मस्त रस आ जाएगा। आप देख सकते हो जलेबी के अंदर चाशनी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से मिल चुकी है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। अब हम इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। हमारी जलेबी खाने के लिए तैयार है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हम मिलेंगे एक जल्द नई रेसिपी के साथ।